हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं जॉन मिल्टन का सोनेट 23, मीथॉट आई सॉ माय लेट एस्पाउज्ड सेंट। यानी मैं सोचता हूं मैंने देखा मेरी पूर्व पत्नी को संत के रूप में। तो ये पोयम एक ड्रीम विजन के ऊपर है जहां स्पीकर ने अपनी पत्नी को देखा है जिनकी डेथ हो चुकी है और उन्हें ऐसा लगा है कि वो उनके पास लौट के आई हैं, जैसे कि एल्सेस्टिस, ये एक माइथोलॉजी से लिया गया करेक्टर है, वो लौट के आई थी अपने हस्बैंड एडमिटस के पास। जब उसने उसे देखा तो फिर वो गायब हो गई, जैसे ही दिन निकला वो गायब हो गई। अब मिल्टन की दो बीवियां थीं, जॉन मिल्टन की पहली बीवी के बारे में है या दूसरी बीवी के बारे में है ये हम कह नहीं सकते, पर सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि ये ज़रूर उनकी सेकंड वाइफ कैथरीन के लिए होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ खास अच्छा सोनेट नहीं लिखा उन्होंने अपनी पत्नी की याद में। इसमें वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैंने देखा अपनी पत्नी को संत के रूप में जिनकी अब डेथ हो चुकी है, वो मेरे पास वैसे ही आई जैसे एल्सेस्टिस आई थी अपनी ग्रेव से, अपनी कब्र से, और उनके हस्बैंड कितने खुश हो गए थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें मृत्यु से रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया शक्ति से। हालांकि वो पेल दिख रही थी, पीली पीली सी और फेंट दिख रही थी, मैं तो जैसे बिल्कुल भौचक्का रह गया था। जैसे ओल्ड लॉ के अनुसार प्यूरिफिकेशन मैंडेटरी है क्रिश्चियन सेल्वेशन के लिए, बचने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसका पूरा दृश्य देखा, जैसे वो सीधे स्वर्ग से ही आई है ऐसा मैंने उसे देखा। वो पूरी सफ़ेद कपड़ों में थी, उसका मन बिल्कुल शुद्ध था, उसका चेहरा ढका हुआ था, उसमें प्यार था, मिठास थी, अच्छाई थी, वो चमक रही थी। इतना साफ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर जब वो मेरी ओर झुकी और मैंने उसे एम्ब्रेस करना चाहा, गले लगाना चाहा, मेरी नींद खुल गई, वो चली गई और दिन वापस आ गया, पर वो मेरे लिए रात थी क्योंकि वो वहाँ से चली गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो राइम स्कीम है वो इटालियन फॉर्म में है और यहाँ पे जिक्र है ग्रीक माइथोलॉजी का, क्योंकि एल्सेस्टिस का जिक्र आता है और ज्यूविश लॉ का भी जिक्र है, जहाँ ओल्ड लॉ ये था कि प्यूरिफिकेशन मैंडेटरी है क्रिश्चियन सेल्वेशन के लिए। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी, ये सोनेट आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, मुझे टॉपिक्स के नाम बताएं जिनकी हिंदी आप चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की हिंदी में। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।